बाबा अवतार सिंह कहते थे, सत्संग दुनिया का तंद नहीं, तानी बिगड़ी हुई है, मैं ये एक नई तानी बना रहा हूं, ये नया संसार बना रहा है, ये पूरा सतगुरु है। सतगुरु हरो देव इस छिनवार तुम्हार श्री चरणे कोरी नमस्कार, नमस्कार 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 नमस्कार। जोंदियां इस जिंदगी दा, जोंदियां इस जिंदगी दा, ऐसा किरदार बनाना है, उपकार कर्म है संता दा, उपकार ही कर दे जाना है। स्वार्थ दी नीहा ते खड़ा, स्वार्थ दी नीहा ते खड़ा, नहीं महल रह सकदा सदा, जो अजर अमर रहे हर युग विच, सच दा ओ महल बनाना है। गर मुर्शिद की बात मान ले हम, जिंदगी का सफर सुहाना है। गर मुर्शिद की बात मान ले हम। आज का मानव व्यास की प्राप्ति करना चाहता है बिना मूल के। कोई ऐसा बैंकर नहीं है जो बिना मूल के ब्याज दे देगा, कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो बिना इन्वेस्टमेंट के डिविडेंड दे देगी। वही मूल पहले प्राप्त करेंगे तो उसका ब्याज मिलेगा। तो आइए, इसकी कृपा से हमें मूल की प्राप्ति हुई है। गुरु की महिमा सर्वोपरि बताई गई है, अरहद गीता में लिखा है, गुरुर नेत्रम गुरुर दीपम सूर्य चंद्रमसौ गुरुहु, गुरुहु देवहा गुरुहु पंथहा दिग् गुरु सदगतिर गुरु। सासंगत गुरु ही नेत्र है, गुरु ही सूर्य है, गुरु ही चंद्रमा है, गुरु ही समस्त दिशाएं हैं और गुरु ही सदगति स्वरूप है। इसीलिए सासंगत हमें श्री सतगुरु देव की किसी भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। गुरो वचनम सर्व गुणेभ्यो अतिरिच्यते, गुरु का वचन तो सभी गुणों से बढ़कर बतलाया गया है। भक्ति भजन में जो मन लागे वो अमृत को पाते हैं, दुष्कर्मों से मुक्त वो होकर गीत प्रभु के गाते हैं। भक्ति भजन में जो मन लागे वो अमृत को पाते हैं। संत के बारे में दास बचपन में सुना था, आग लगा आकाश में, काट काट पड़े अंगार, संत न होता संसार में, जल मरता संसार। तेरी साथ संगत बचपन में सुनता था, कोई संत की वाणी है, लेकिन हम आसमान में देखकर नील आकाश में देखता था कब आग निकाले। संगीत में कहते हैं सात सुरें होती हैं। अब उन सात सुरों का जो आनंद है वो एक सुर सुनकर कभी भी मैं सात सुरों का आनंद नहीं ले सकता। अर्थात जब इन सुरों का आनंद लेना होगा तो वो सात सुरें मेरे को समझनी होगी। और इस प्रभु परमात्मा, जैसे हम मन की शांति कहते हैं,
कंप्लीट आनंद कहते हैं, परमा आनंद कहते हैं, जब तक सतगुरु के चरणों में कंप्लीट हम अपने आप को सरेंडर नहीं कर सकते, सत्संग वो आनंद की जो उपलब्धि हम चाहते हैं कई बार वो भी हमें प्राप्त नहीं हो पाती। हमने तप त्याग की भट्टी में से गुजरते हुए यानी कि एक देन देते हुए, सुंदर विशालता का प्रमाण देते हुए, सहनशीलता का प्रमाण देते हुए, समदृष्टि का प्रमाण देते हुए, हमने वाकई ही सदी इस युग को सुंदर बनाने के लिए वो आधार रखना है जो कल के आने वाली जनरेशन है वो वाकई ही गर्व कर सके। संत कोई ऐसी फिजिकल एग्जिस्टेंस तो है नहीं, कोई ठोस ऐसा पदार्थ नहीं है, कोई ना ही कोई ऐसा मटेरियल है जो कि दिख जाए या पकड़ लें। संत एक प्रिंसिपल लगता है, संत एक मर्यादा लगता है, सिर्फ एक मर्यादा है जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस कुछ नहीं है। यदि आधार केंद्रित है, यदि एहसास है इस बात का कि मेरा आधार ये ईश्वर है, आधार ये ब्रह्म है, अगर ब्रह्म आधार है, यदि ये जो मूल है इसका एहसास हर पल हर क्षण है, फिर सत्संग डेविएशन नहीं होता। वो डेविएट करते ही तब है पाथ से जब ध्यान चला जाता है कहीं और। जिस वक्त अंदाजा ये रहे कि आधार ये प्रभु परमात्मा ईश्वर है, तो हर एक वो रिश्ता पवित्र हो जाता है, हर एक वो संबंध पाक हो जाता है, हर एक वो आचार विचार व्यवहार वो सब का सब पवित्र होता चला जाता है, सब का सब यदि केंद्रित हो। ए संत समागम सैंपल है, सैंपल क्या बात है, ए संत समागम सैंपल है, सैंपल है, वाह प्यार दी एक एग्जांपल है, प्यार दी एक एग्जांपल है, ए संत समागम सैंपल है, प्यार दी एक एग्जांपल है, ए मानवता दा टेंपल है, ए मानवता दा टेंपल है, क्या बात, ए मानवता दा टेंपल है, हर गुरमुख इत्थे जेंटल है, हर गुरमुख इत्थे जेंटल है, ए टाउन है प्यार परीतां दा, ए टाउन है प्यार परीतां दा, भंगड़े खुशियां ते गीतां दा, भंगड़े खुशियां ते गीतां दा, इत्थे नफरत बिल्कुल कैंसल है, इत्थे नफरत बिल्कुल कैंसल है, हाथ प्यार दे कापी पेंसल है, इत्थे नफरत बिल्कुल कैंसल है, हाथ प्यार दे कापी पेंसल है, इस रोड से नफरत चलती नहीं, इस रोड से नफरत चलती नहीं, ये फड़ के झट चलान करे, प्यार सजा देंदा है गुलशन ते नफरत भी ना निकले। मैनू तेरा सहारा, मैनू है आस तेरी,
मैनू तेरा सहारा तेरे चरना संसार के इस लंबे चौड़े दायरे में प्रकृति के अलग अलग रंग को हम देखते हैं। किसी भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाएं, किसी मॉल में जाएं, उसी चीज़ को उठाते हैं जो हमारे मन को भाती है। इसी तरह से सतगुरु बाबा जी की कृपा से जब ये सोया हुआ विवेक जागता है, खोया हुआ विवेक जागता है, तो हमें ये बात समझ आ जाती है कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। मानवता के लिए जो अमन का, शांति का, रूहानियत का संदेश ये दे रहे हैं, हर जगह उसकी गूंज है। कोई धर्म, कोई मजहब, कोई फिरका, कोई बरादरी, कोई जात पात दुनिया में ऐसी नहीं जो ऊपर वाले ने बख्शिश और मोहब्बत और खिदमत के लिए ना भेजी हो, लेकिन ठेकेदारों ने नफरतों की दीवारें खड़ी कर ली। हमारे सतगुरु सच्चे पातशाह नफरत की और दहशत की इन दीवारों को ढाने का पैगाम देते हैं। I'm so fortunate to be here to witness this confluence of faith, of spirit, and of hope. It is indeed miraculous to watch divides dissolve and barriers of class and race disappear. And in its place, this holy sanctuary has been created where only one language is spoken, the language of peace, of fraternity, and of hope. In three words, I am Nirankari. So now you know me. I am Nirankari. But yes, 4.5 years ago I received Gyan. And it took me 8 years and 3 Gyans to get there. I guess I had a stubborn streak in me. But with Babaji's blessings, I am here with you. Many of you. Mission Mera. है लोको एकता ते प्यार दा पला नित मंग दाए पला नित मंग दाए सारे संसार दा मिशन मेरा है लोको एकता ते प्यार दा मिशन मेरा तो ये दूरियां दिलों से दूर आज सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी की कृपा से हो रही है। यहां इस दर पर आने से पहले तो एक ही बात मुंह से निकलती थी, भला करो मेरा प्रभु मेरा हो कल्याण। हे प्रभु मेरा ही भला हो, मेरा कल्याण हो। या ज्यादा विशाल हृदय होता था तो अपने परिवार के लिए भला मांग लिया करते थे। आज बाबा जी ने जब ये ज्ञान दिया, समझाया, इक्को नूर है सब दे अंदर, नर है चाहे नारी है,
ये सारी दुनिया जो है एक खुदा का कुनबा, एक परमात्मा की संतान है, तो आज भूल कर भी कभी हृदय में ये बात नहीं आती कि किसी का बुरा चाहें या किसी का बुरा कहें। आज बाबा जी ने हमारे सोचने का ढंग बदल दिया, देखने का ढंग बदल दिया। जिंदगी तो जी रहे थे पहले, लेकिन जिंदगी जिया कैसे जाता इसका पता नहीं था। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਤਸੰਗ ਸਤਿਗੁਰੇ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਵਾਂ ਅਤੇ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰ ਔਰ ਹੱਕ ਕੋ ਛੋੜ ਕਰ ਅਗਰ ਮਾਨਵ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ੋਂ ਕੋ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ ਤੋ ਨਿਸ਼ਚੈ ਹੀ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਝੰਝਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ। आदि अनादि प्रभु सर्वव्यापी, आदि अनादि प्रभु सर्वव्यापी, सब थकती मेरे साथ, सब थकती मेरे साथ, परम पिता परमात्मा हे निर्गुण बनदी सतगुर दी सिख्या बनदी गुर सिख दी शान है कदो प्रहंस बनावे ऐसा ए ज्ञान है कदो प्रहंस बनावे ऐसा ए ज्ञान है कदो प्रहंस बनावे। आप सभी लोग यहाँ पे सिर्फ सत्संग के लिए यहाँ आके अपने अंदर छुपा हुआ ऐसे शक्ति जो भक्ति का संगठित करके इस सारे संसार को एकता में देखने का जो संकल्प है बाबा जी का, उस संकल्प का शक्ति का विस्फोटक रूप यहाँ विश्व सम्मेलन हो रहा है। यहाँ आके इस समागम को देखने के बाद मुझे लगा हमारा सारे मंदिर के जितने भी भक्त हैं सभी को यहाँ होना चाहिए था। इतना सुंदर, इतने लाखों करोड़ों लोग यहाँ पे हैं, सभी में एकता, एक भावना। जब कोई परेशानी खड़ी होती है तो तब परमात्मा याद आता है भी इस परमात्मा को हम इस परेशानी को किस तरीके से दूर कर सकते हैं। कहते भी हैं कि दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोए, जे सुख में सिमरन करे तो दुख काए को होए। Thank you.
सतगुरु सत्या त्वमसी बूटा ते दसमह द्वारा इति देशः वक्ति अवतारः दत्त गुरुवा वा निज वाणी वा निज वेशः। रब है मेरे अंग संग वसदा इसदे अंदर वसा मैं इस विच खावा पीवा पहना इस विच रोवा हसा मैं। ये निरंकार है किसको देखकर क्या कहते हैं किस घड़ी है काड़त ऐसी कौन बनाने वाला है आपे आपे सब कुछ आपे हर एक शैतों बाला है कद ते बुत ने ऐसा कोई ना गोरा ना काला है निरा नशा है जात खुदा दी अजली मैदा प्याला है। ओम जो गुरु त पीरन जो पीरवा जय जी संगत त खंड है खीरवा बराई में न मौज मचे बराई में न मौज मचे गुरु दर ते आसा जीवाचा जीव लग राजा माझा आला या जीवनाता कृपा झाली या राजाची भरला माझ्या या मनात कृपा झाली या राजाची भरला माझ्या या मनात यान सुखी केले जीवन माझे एका क्षणात असा जीवाचा असा जीवाचा असा जीवाचा जीव लग राजा माझा आला या जीवनात মানব যেতিয়ালৈকে তুমি পৰমাত্মাক নাজানা যেতিয়ালৈকে তুমি পৰমাত্মাক দৰ্শন নকৰা তেতিয়ালৈকে তুমি তোমাৰ জীৱনত কেতিয়াও সুখ হ'ব নোৱাৰে শান্তি হ'ব নোৱাৰে আৰু তুমি 84 লাখ জনীৰ পৰা কেতিয়াও মুক্ত হ'বই নোৱাৰা। আল্লাহ এক হে সৰ্বব্যাপী হে লেকিন হে কহাঁ হে কহাঁ ইস বাত কা ইলম सत्संग जी सतगुरु बताता है। इस बात को पढ़ाते तो सब लोग हैं समझाते तो सब लोग हैं सर्वव्यापी भी है एक भी है लेकिन समझ नहीं आती समझ नहीं आती सतगुरु समझाता है। यारे 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 अवगे जनम घेऊ देवाचे दर्शन। सत्संग जी प्रेम से कहना सत्संगत आज आप इस सालाना संत समागम के अवसर पर उपस्थित हैं जो कि 60वीं दफ़ा मनाया जा रहा है। देश के अनेकों प्रांतों से विश्व के अनेकों मुल्कों से शांति स्थापित करने के लिए आप सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं अपनी भक्ति का आनंद लेने के साथ साथ। तो दातार कृपा करे कि ये समागम हर प्रकार से एक खुशियों भरा हो और इसी मंतव की पूर्ति हो पाए जो आप लेकर यहाँ उपस्थित हुए हैं। सत्संग जी धन्यवाद।